हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने दांतों में से प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं, अपने दांतों को व्हाइट, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी किस तरीके से बना सकते हैं केवल 5 दिन के अंदर। अगर आपके दांतों में भी सड़न, दर्द या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपके दांत पीले पड़ने लगते हैं, काले पड़ने लगते हैं, दांतों में दर्द है, मुंह में से बदबू आती है, तो आज का नुस्खा खास आपके लिए ही है। आज का नुस्खा बहुत ही ज्यादा ईजी है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, 100% वर्क करने वाला है। तो बिना किसी देर के इस नुस्खे को बनाने स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक क्लीन बाउल ले लीजिए और जो हमारे यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट है वो है गार्लिक यानी कि लहसुन। हमें यहाँ पे लहसुन की 3 कली लेनी है। अगर आप बड़ी बड़ी ले रहे हैं तो आप 3 लीजिए और अगर आप छोटी छोटी ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे 5 लेनी है। ये हम टोटल 5 डेज के हिसाब से बना रहे हैं। सबसे पहले हम इसको कद्दूकस कर लेंगे या फिर क्रश कर लेंगे, तो मैं इसको क्रश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको क्रश कर लिया है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। दूसरी चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। आधी चम्मच हमें यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड करना है। ये छोटी चम्मच है इसलिए मैं यहाँ पे इसका 1 चम्मच यूज करूंगी। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा और लहसुन मिलके दांतों में से कीड़ों को दूर करेंगे, सड़न की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, साथ ही अगर मुंह में से बदबू आती हो तो ये मुंह में से बदबू को भी दूर करता है और दांतों को व्हाइट बनाने में तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। जितना हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड किया है उतना ही हम यहाँ पे टर्मरिक यानी कि हल्दी को भी ऐड कर देंगे। आधा चम्मच आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 टीस्पून यानी 2 चम्मच लेमन जूस यानी नींबू का रस। फ्रेंड्स, हल्दी दांतों में से डायबिटीज को दूर करती है, साथ ही अगर दांत पीले होते हैं तो ये दांतों को पीला होने से भी बचाती है और नींबू भी वही काम करता है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नींबू का रस ऐड कर दिया है और लास्ट में हम यहाँ पे ऐड करेंगे टूथपेस्ट। आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे कोलगेट यूज कर रही हूँ। जो भी आपके घर में हो आप यहाँ पे वो ले सकते हैं। आधी चम्मच आपको यहाँ पे ऐड करना है कोलगेट। और अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से अप्लाई करना है अपने दांतों पर। आपको इसे ब्रश की सहायता से लेना है और अपने पूरे दांतों पर अच्छे से ब्रश करना है। लगातार आप 5 मिनट तक ब्रश कीजिए, अच्छे से पूरे दांतों पर अच्छे से आप ब्रश कीजिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ऊपर नीचे आप दोनों तरफ कर लीजिए और ब्रश करने के बाद जब आप कुल्ली करेंगे आप इसका रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। आपके दांत बिल्कुल व्हाइट और क्लीन हो जाएंगे और केवल 5 दिन के इस्तेमाल से ही आपके दांतों में से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर आपके दांत पे पीली परत भी जमती है तो वो भी इससे दूर हो जाएगी। यकीन मानिए, बहुत ही कारगर नुस्खा है। तो मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट इसका मुझे मिला है एक ही बार में। आप भी इसको ट्राई जरूर करके देखिएगा, इससे भी अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आपको इसे इस तरीके से अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है आपके दांतों के लिए। मैंने इसके अंदर जो भी चीजें यूज की हैं वो सारी की सारी नेचुरल होती हैं हमारे दांतों के लिए। आप इसको ट्राई जरूर करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, पास ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई आपके लिए नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।